يتيمة. أنت تعلمين لأبي أنني كتبت النص في زمن الأساطير والخرافات، وأن نبوءة العرافات كانت أمرا. हेलो जी, वेलकम बैक, अहलन व सहलन, मरहबा। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। यार, आज की वीडियो का इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हटके है, क्योंकि इंट्रोडक्शन भी बना रहा हूँ, वीडियो पहले की बन चुकी हुई है। ओवरऑल बात ये कि मैं इंट्रोडक्शन थोड़ा सा ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन दे के आपको मैं वीडियो की तरफ आपको लेके चलता हूँ। अच्छा, इस वीडियो में आपको मैं लेके जा रहा हूँ इंटरनेशनल बुक फेयर 2023, जो कि रियाद में हो रहा है, जहाँ मैं गया भी हूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट आप जा सकते हैं, कोई टिकट शिकट नहीं है यहाँ पे। ये किंग सॉड यूनिवर्सिटी में हो रहा है, जो कि है तुर्की बिन अव्वल के करीब है। तो यहाँ पे जो यू वॉक है, यू वॉक से ऑलमोस्ट पाँच मिनट का रास्ता है। यहाँ पे किंग सॉड यूनिवर्सिटी के अंदर इन लोगों ने ये अरेंज किया हुआ है इंटरनेशनल बुक फेयर 2023। तो इसमें सीन ये है कि यहाँ पे डिफरेंट किस्म के इवेंट एक्टिविटीज़, कुछ एक्टिविटीज़ होंगी, जस्ट लाइक सिंगिंग, उसके बाद थोड़ा सा स्टेज परफॉर्मेंस भी है, उसके बाद एक दो और एक्टिविटीज़ हैं और स्पीच भी है, एक दो स्पीचेज़ वगैरह होनी है। तो ये ओवरऑल उसकी एक्टिविटी का ओवरव्यू, छोटा सा ओवरव्यू दिया है। यहाँ की सबसे अच्छी बात मुझे जो लगी है वो ये कि मैं गया हूँ पार्किंग वाली साइड पे जाके, जब मैं पार्क की गाड़ी, तो काफ़ी डिस्टेंस ऑलमोस्ट किलोमीटर का रास्ता था जहाँ आपको पैदल चल के जाना था, जहाँ पे बुक फेयर हो रहा था। जब मैं पार्किंग से निकला हूँ तो मुझे आगे बंदे ने मुझे बोला कि, मैंने उससे पूछा कि कहाँ पे ये हो रहा है, तो उसने बोला कि यहाँ पे गाड़ी आएगी, यहाँ से वो गाड़ी आपको पिक करेगी और एंड तक ड्रॉप करेगी, और वापसी पे आपने उसको बोलना है मैंने ए बी पार्किंग में जाना है, XYZ पार्किंग के, मतलब ए बी नाम था पार्किंग का, वहाँ पे जाना है आपने, उसको बोलना है और वो आपको वापस वहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। तो ये चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे कि आपको प्रॉपर प्रोटोकॉल में लेके जा रहे थे, और अंदर भी प्रॉपर अरेंजमेंट की हुई थी आपके जाने की आने की, VIPs, लोकल्स, और कोई फड्डा धक्का मुक्की कुछ नहीं है, बड़ा लेवल किस्म का उन लोगों ने अरेंजमेंट किया हुआ था। चले, ज़्यादा देर ना करते हुए मैं आपको वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ, वहाँ पर जाके आप वीडियो एंजॉय करें। ये है जी वो गाड़ी जिसका मैं आपको बता रहा था, ये आपको लेके जाएंगे, इसी गाड़ी में आपको लेके जाएंगे, और इसी में लेके आएंगे, या फिर बस होती है जिसमें आपको लेके आते हैं। तो ये देखें, रास्ते में जाते हुए मैं थोड़ी सी क्लिप बनाई है जिससे आपको पता चले कि वाकई गाड़ी में जा रहे हैं, मैं ऊपर के नहीं लगा रहा, गाड़ी में जा रहे हैं हम लोग। यहाँ पे गाड़ी में गए और तकरीबन 1.5-2 मिनट के रास्ते के बाद हम लोग यहाँ पहुँच चुके थे। ये जी ड्रॉप ऑफ एरिया था, यहाँ पे आपको ड्रॉप करके चल जाते हैं, और उसके बाद आपको थोड़ा सा पैदल सफ़र करके आगे जाना होता है। ये वो जगह है जहाँ पे बुक फेयर का प्रॉपर अरेंजमेंट वगैरह प्रॉपर हुआ था। यहाँ पे रिकॉर्डिंग का भी फुल, मतलब क्या फिर क्रॉसिंग का फुल सीन किया हुआ है आपको ट्रैफिक रोक के। ये बाहर से एक छोटा सा ओवरव्यू इसका लें, जो बाहर से बना हुआ था स्टेज, अंदर जो बुक्स वगैरह पड़ी हैं वो तो हैं, ये बाहर से इतना अट्रैक्टिव बनाया हुआ था इन्होंने कि बंदा दूर से ही देख के कहे के अंदर जाना ही जाना है। यहाँ से जी VIP की एंट्रेंस है, मैं गया था इसके पास, कहता कि नहीं विजिटर्स की आगे है, VIP विजिटर की एंट्रेंस यहाँ से है। तो हम नीवी जी पा के आगे चल दिए। आपको जाते जाते ये दिखाता हूँ, ये देखें यार, बहुत ही प्यारा कलर वगैरह का किया हुआ था सीन उन्होंने यहाँ पे, जो कि दूर से अट्रैक्टिव लगता है कि बंदा दूर से देख के कहे हाँ भी एक बार अंदर जाके देखें तो सही है क्या चीज़, जो इतनी प्यारी बनाई हुई है। एमरजेंसी के लिए ये एम्बुलेंस भी पड़ी हुई है अंदर, एक बंदी को एमरजेंसी हो भी गई थी, एक कोई लेडी थी उसको एमरजेंसी हुई भी थी, तो फौरन सर्विस अवेलेबल थी। बाकी मैं आपको लेके चलता हूँ इसके सीधा एंट्रेंस पे, आपको दिखेगा प्रॉपर किस्म का इन लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ है यहाँ पे।
ये इसकी जी एंट्रेंस है, ओवरऑल जगह अच्छी थी, इन्वायरमेंट अच्छा बनाया हुआ था, स्टॉल्स वगैरह लगे हुए थे, शॉप्स वगैरह बनाई हुई थी, पेमेंट्स का प्रॉपर बनाया हुआ था इन्होंने प्लान वगैरह के, किसी के पास कैश नहीं है तो वो ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज़ इसकी मुझे जो बुरी लगी है वो ये थी कि आपको इन लोगों ने कंट्रीज वाइज ना या लैंग्वेज वाइज आपको नहीं, इन लोगों ने कैटेगराइज नहीं की हुई थी। आप किसी भी स्टॉल पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको बुक्स, डिफरेंट बुक्स मिलेंगी, लेकिन उसमें कोई कहीं कुछ स्पेसिफाई नहीं होगा कि आइदर ये पाकिस्तान उर्दू लैंग्वेज की है, स्पेनिश, इंग्लिश, अरबिक, मोस्टली आपको अरबिक ही मिलेंगी क्योंकि अरबिक कंट्री में हो रहा है, अरबिक लैंग्वेज इनकी अरबिक है, तो ज़ाहिर बात है फिर अरबिक में ही ये सब कुछ होना था। अच्छा, इनका ये जो थीम था ना मुझे बड़ा अच्छा लगा कि किताबें ऊपर हैंग की हुई थी, आप जा रहे हो किसी नेट के थ्रू, इन लोगों ने हैंग की हुई थी किताबें और अच्छा अच्छी फीलिंग आ रही थी देख के इसको। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो मुझे समझ आई है वो ये कि इन लोगों ने कंट्रीज़ का ना ऊपर फ्लैग लगाया हुआ था कि कौन सी कंट्री से बंदा आके स्टॉल लगा के बैठा हुआ है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, रिप्रेजेंट किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, किस कंट्री के रिलेटेड बुक्स वगैरह हैं। पाकिस्तान इंडिया का तो मुझे दूर दूर तक नहीं दिखा, पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश और ये कंट्रीज़, मुझे एशियन कंट्रीज़ में चाइनीज़ का एंड पे जाके मुझे एक स्टॉल दिखा था, एक प्रॉपर स्टेज दिखा था चाइनीज़ का, उसके अलावा मुझे नहीं दिखा कहीं पे भी कुछ भी एशियन कंट्रीज़ का, कुछ नहीं दिखा। गल्फ़ कंट्रीज़ थी, कुवैत, कतर, ओमान, ये वो इनके आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव जो के अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे, अपने अपनी बुक्स लेके आए थे, अपनी लैंग्वेज में बुक्स लेके आए हुए थे, लेकिन हमारी लैंग्वेज वाली मुझे कहीं नहीं दिखी, इंग्लिश भी मुझे कहीं कुछ ख़ास नहीं दिखी। ये थोड़ा सा मुझे अट्रैक्टिव लगा तो मैंने सोचा कि इसकी वीडियो बनाई जाए और इसकी थोड़ी सी मैंने ओवरव्यू लिया वीडियो का और बड़ा दूर से देख के बड़ा अट्रैक्टिव ये लग रहा था, मैं इसका रिकॉर्ड कर लिया। फिर मैंने ये किंग अब्दुल अज़ीज़ लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी, उन्होंने आके यहाँ पे अपना स्टॉल या अपना स्टेज लगाया हुआ था, यहाँ पे अपनी सेटअप प्रॉपर किया हुआ था उन्होंने आके। ये भी इनका बड़ा प्यारा मुझे सेटअप लगा था, यहाँ से ये ओवर ऑल इनका सेटअप था। कुछ लॉ रिलेटेड बुक्स थी, उसका मैंने छोटा सा एक क्लिप रिकॉर्ड किया, सोचा ये भी दिखाता चलूँ आपको। अच्छा, इन बुक्स की मैं बात कर रहा था, इस तरह ये रखी हुई हैं लेकिन आपको आइडिया नहीं होगा, यहाँ पे कोई भी इंग्लिश बुक नहीं, आपको इंग्लिश नेम दिखेंगे, अरबिक बुक्स को इंग्लिश में नाम दिया हुआ है वो दिखेंगे आपको, लेकिन आपको इंग्लिश बुक्स वगैरह कहीं नहीं दिखेंगी। अच्छा, इस्लामिक बुक्स का भी अच्छा खासा यहाँ पर इन लोगों ने, इनके रिप्रेजेंटेटिव आए हुए थे डिफरेंट कंट्रीज से, उनमें से एक ये मैंने रिकॉर्ड की है, दूर से ही बड़ा प्यारा लग रहा था, फिर मैं करीब जाके देखा, इन्होंने बुक्स ऐसे रखी हुई थी कि देख के बंदा लाजिम करीब जाए। और दूसरी ये एक और इनका स्टॉल था जो मुझे अच्छा लगा, जिसको मैं रिकॉर्ड किया, आगे भी एक दो क्लिप्स आपको दिखाता हूँ इस्लामिक बुक्स के रिलेटेड, सारी सारी इस्लामिक बुक्स हैं जो कि इन्होंने यहाँ पर रखी हुई थी। थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए भी आपके लिए एक जगह बनाई हुई है, लोग बैठ के चिल कर रहे थे क्योंकि बहुत बड़ी जगह थी, आप थक सकते हो इसलिए बैठ कर रिलैक्स करो। यहाँ पे स्पीच वगैरह करते हैं, ये गेस्ट आए थे यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे स्पीच की है, ना लेट जारी बात है, ऑफिस के बाद जब मैं आया हूँ तो लेट ही हो गया था मैं, 11 बजे बंद हो जाएगा ऑलमोस्ट, कोई रह गए या कोई आधा घंटा रह गया उसके बाद, तो जितना हो सके इंशाल्लाह मैं आपको दिखाऊँगा।
जरीर बुक स्टोर वालों ने भी आके अपना यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ था, क्योंकि जरीर बुक स्टोर मेनली तो बुक सेलिंग करती है, लेकिन बीच में एडिशनल चीज़ें भी उन्होंने ऐड की हुई हैं अभी इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, तो यहाँ पे अपनी बुक्स को रिप्रेजेंट करने आए थे। सब जगहों में ये जगह मुझे थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्टिव लगी थी, तो इसका आप एक जाके अंदर से व्यूज़ लें इसके। मैं आपको बारी बारी तीन चार चीज़ें उन्होंने रखी थी डिस्प्ले के लिए, तो मैं इनको बारी बारी आपको उसकी वीडियोज़ वगैरह दिखाता हूँ, आप उस वीडियोस को एंजॉय करें ज़रा। अगर किसी भी चीज़ का आपने 3D व्यू लेना है तो आपके लिए ये था, 3D व्यू के लिए एक स्क्रीन लगाई हुई थी हर डिस्प्ले पे, जो भी चीज़ पड़ी थी उसके लिए अलग स्क्रीन लगा के उसका डिस्प्ले लगाया हुआ था। आप 3D में उसको मूव कर सकते हो, 360 में मूव करके आप देख सकते हो उसको। जो भी चीज़ें बाहर डिस्प्ले पे पड़ी थी अगर उनका आपने ओवरव्यू लेना है तो अरेबिक में यहाँ पे एक स्क्रीन लगाई हुई है अरेबिक में, उसमें आपको एक्सप्लेन कर रहे होते हैं चीज़ों को, तो एक छोटी सी क्लिप इसकी भी मैंने ऐड की है। अर्ली एजेस में इनके जो राइटिंग के लिए जो चीज़ टूल्स वगैरह यूज़ होते थे वो टूल्स रखे उन्होंने दिखाए हुए हैं, इनके स्टार्टिंग बिल्कुल स्टार्टिंग था, और इन टूल्स से वाकई ही एक अच्छी वाली राइटिंग होती है। और मैं आगे जाके एक क्लिप ऐड करूँगा दिखाऊँगा आपको, जिसमें मैंने अपना नाम भी लिखवाया और उसने बड़े ही प्यारे तरीके से उसने नाम लिखा और अच्छा लग रहा था वो। ये कुछ पेंटिंग वगैरह के टूल्स वगैरह हैं, पेंटिंग रखी हुई थी उन्होंने, और ये उनके कलर्स वगैरह। अच्छा, बच्चों का एक ना प्रॉपर इन लोगों ने एक एरिया बनाया था जिसमें बच्चों के रिलेटेड बुक्स थी और कुछ थी गेम्स थी, माइंड गेम्स जिसमें होता है, मतलब कुछ खेलने वाली चीज़ें जिसमें आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है बच्चों के लिए स्पेशली, वो एक प्रॉपर एरिया उनका बनाया था। ये सारा उनका एक प्रॉपर एरिया बनाया था जिसमें बड़ा अच्छा सा बच्चों के लिए ही, बच्चों को जो अट्रैक्टिव लगे वो एक जगह बनी हुई थी, तो उसका भी मैंने एक क्लिप ऐड किया। मैंने कहा आप उसको भी एक ओवरव्यू लें, अगर आपके साथ बच्चे आ रहे हैं या आपके बच्चे हैं तो आप उनके साथ भी यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं।
मैंने जैसे आपको पीछे बताया कि डिफरेंट कंट्रीज रिप्रेजेंट जो करने आई हैं उनके स्टॉल के ऊपर उनके फ्लैग्स लगे हुए हैं, देखें जैसे अपना इराक वगैरह हो गया है और बाकी कंट्रीज वगैरह, मुझे नाम नहीं इस कंट्री का था, उनके फ्लैग्स वगैरह लगे हुए थे ऊपर। ये अगेन एक ओवरव्यू ले मुझे क्योंकि बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने एक और जगह पर जाके इसको अगेन रिकॉर्ड किया, मैंने कहा आपको दिखाता चलूँ। ये बहुत प्यारा यार इन लोगों ने किया हुआ था ये सीन। और ये वो चाइना का स्टॉल है, आई मीन तो से चाइना की कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टॉल जिसकी वीडियो बनाई है मुझे, जो अदर देन मतलब कि प्रॉपर एक स्टॉल इनका बना दिखा मुझे किसी और कंट्री का, वरना किसी और कंट्री का ऐसे ओपनली और ऐसे ब्यूटीफुल किस्म का स्टॉल नहीं मुझे दिखा। अच्छा, ये इस बंदे ने अपनी अलग ही दुकान बनाई हुई थी, एक छोटा पेपर 4x4 का, फोर बाय फोर का भी पेपर इसके पास था और छोटा एक कार्ड भी था, एक लंबा सा कार्ड भी था जिसके पर आप नाम लिखवा सकते हो। मैंने इसके ऊपर फिर अपना नाम लिखवाया और पैसे का, फॉर श्योर पैसों का इसने लिखना था, इस पर नाम लिखवा के फिर अपनी गाड़ी में लटकाया मैंने, गाड़ी में अच्छा लग रहा है ये। ये बंदा बुक फेयर के इवेंट तक तो यहाँ पे है, इसकी ऑनलाइन सर्विस भी है, मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका नंबर वगैरह दे दूँगा।
Another good thing is के आपके पास यहाँ पे 24/7 टैक्सी अवेलेबल होती है, जब तक ये इवेंट चलता है तब तक टैक्सी अवेलेबल होती है, उसके बाद भी तक भी अवेलेबल होती है, सो इसका भी ट्रांसपोर्ट का भी इशू कोई नहीं है। और इसके बाद आगे इन्होंने कुछ रेस्टोरेंट वालों ने अपने यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह या फिर अब सेटअप लगाया, कह सकते हैं आप, लगाया हुआ था KFC शॉर्मर वगैरह ने, और ताकि आप थोड़ी बहुत रिफ्रेशमेंट करते रहें यहाँ पे। उसके बाद ये जो फाइनली हम लोग यहाँ से कवर करके इवेंट वापसी जा रहे थे, और ये वो जगह है जहाँ पे मुझे वापस इनको बताना है कि मैंने AB पार्किंग में जाना है और इस बस में मुझे बिठा के वो लेके जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये अच्छी बात है और ये अच्छी सर्विस है इनकी, और बस में चकाचक नहीं भरते, बस में जितनी जगह होती है उतने बंदे भर के उसको इनको ले जाते हैं। ये थी जी आज की वीडियो, कमेंट सेक्शन में बताएंगे कैसी लगी वीडियो, और मिलते हैं फिर हम लोग किसी अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, अपना ख्याल रखें, मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।